हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है बेटा, ऑर्गेनो मीन्स कार्बन, मेटेलिक मीन्स मेटल। जब कार्बन हमारे किसी एटम से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके कई एग्जांपल हैं, जैसे सपोज हमने यहाँ पे ट्राई इथाइल एल्युमिनियम लिया है। यहाँ पे तीन इथाइल ग्रुप हैं, वो एल्युमिनियम से जुड़े हुए हैं, तो इसे हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे कार्बन हमारा एल्युमिनियम मेटल से जुड़ा हुआ है। तो जैसे हमने आपको बताया कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब है वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हमारा किसी मेटल से डायरेक्टली अटैच होता है, उसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। शॉर्ट में इसे OMC भी कहते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल लिया है हमने ट्राई डाई इथाइल जिंक। यहाँ पे दो इथाइल ग्रुप हैं, तो इसका नाम होगा डाई इथाइल जिंक। अब यहाँ पे कार्बन हमारा डायरेक्टली जिंक मेटल से अटैच है। इसका थर्ड एग्जांपल है मिथाइल लिथियम, इसमें कार्बन हमारा लिथियम मेटल से जुड़ा हुआ है। इसका और एग्जांपल ले सकते हैं हम टेट्रा इथाइल लेड, जिसे शॉर्ट में TEL भी कहते हैं। यहाँ पे चार इथाइल ग्रुप हैं, वो लेड से जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम हो गया टेट्रा इथाइल लेड। इसे एंटी नॉकिंग रिएजेंट भी कहते हैं। अब क्या बेटा, वैसे तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के कई एग्जाम्पल हैं, पर हमें जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसका फॉर्मूला होता है RMgX। इसे हम कहेंगे एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है हमारा कोई भी कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ हमारा ग्रुप, मिथाइल इथाइल और मैग्नीशियम हो गया, हैलाइड में क्लोराइड, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो फार्मूला है RMgX, इसे कहते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसकी सिंथेसिस ग्रिग्नार्ड ने की थी, इसलिए उनके नाम पे इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जो हमारा मेन टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक में, हमें पढ़ना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो जो इसका फॉर्मूला है बेटा वो होता है RMgX। अब इस टॉपिक को हम दो शिफ्ट में पढ़ेंगे बेटा। पहले तो हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारा सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसे बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं। आर हमारा एल्काइल है, एक्स हमारा हैलाइड है, उसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, तो बन जाता है हमारा RMgX। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो मेन जो रिएक्शन है बेटा वो ये है। इसके आप कई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सपोज यहाँ पे आर की जगह पे हमने ये तीन कार्बन ले लिए हैं और एक्स की जगह हमारा Br हो गया, मैग्नीशियम है ही है, ड्राई ईथर है ही है। अब हमारे पहले क्या है R आएगा, तो R ये हो गया हमारा और बीच में मैग्नीशियम और ये Br, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तीन कार्बन है इसमें, मिथेन एथेन प्रोपेन, कार्बन दोनों तरफ से हमारा अटैच है, इसलिए इसका नाम आइसोप्रोपाइल हो गया। ये मैग्नीशियम है और ये हमारा ब्रोमाइड है, ये हमारी सिंथेसिस चल रही है। इसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया क्लोरो बेंजीन, ये हो गया R, ये हो गया X और ये है Mg। सेम रिएक्शन हमारी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बन गया हमारा RMgX, ये है फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल ले लिया हमने, यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, ये हमारा R है और ये हमारा X है। इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ में होगी, तो ये बन गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये है RMgX। तो ये तो थी बेटा सिंथेसिस। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या यूज है, इसकी क्या एप्लीकेशन है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो मेन एप्लीकेशन है ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में होती है बेटा। इससे हम कई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला हमने लिया है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या है बेटा, जहाँ पे हमारे डबल ट्रिपल बॉन्ड है वो हमारे एल्कीन्स होते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, ये है RMgX, मैग्नीशियम मिथाइल ब्रोमाइड,
मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हम ले ले, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये हमारा, और इसकी रिएक्शन हम जब एलाइल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, ये बेटा एलाइल ग्रुप कहलाता है हमारा, और ये ब्रोमाइड के साथ में कराते हैं तो हमारा 1-ब्यूटीन बनता है। अब देखिए अगर इसके मैकेनिज्म बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि ये जब हमारा बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये मैग्नीशियम हमारा क्या एक्टिव मेटल है, ये CH3 को दे के आयनिक बॉन्ड बना लेता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो बेटा, जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पर प्लस चार्ज आ रहा है, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे के इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, तो बाय प्रोडक्ट तो बन गया MgBr2, ये निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में आएगा, इलेक्ट्रॉन दे के इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन गया हमारा एल्कीन। सेकेंड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, इसमें भी देखिए बेटा, अब हमने यहाँ पे ये ले लिया है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारा, इस पे नेगेटिव चार्ज है, हमेशा ध्यान रखिए बेटा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सेम मैकेनिज्म बेटा, यहाँ पे हमारा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये जाके अपने इलेक्ट्रॉन को दे के इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, तो ये हमारा एल्केन बन गया, और बाई प्रोडक्ट ये हमारा अलग हो गया। फिर हमारा फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स, अब थर्ड हमारी जो एप्लीकेशन है वो हम कीटोन्स को बनाएंगे। इसमें भी देखिए, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया है, इसकी रिएक्शन हम जब एसाइल क्लोराइड के साथ में कराते हैं तो हमारा कीटोन बनता है। अब क्या बेटा, यहाँ पे एक हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो चीज़ बनता है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ही कम स्टेबल होता है, जैसे ही बनता है वैसे ही बॉन्ड हमारे ब्रेक हो जाते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है। अब बात आती है कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो देखिए बेटा यहाँ पे सेम क्या हो रहा है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर हम एसआईएल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन से डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Cl है। अब क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो मीन्स इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये CH3 आके इससे यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये जो प्लस है वो यहाँ पे नेगेटिव से इससे जुड़ जाएगा। तो देखिए ये हमारा इंटरमीडिएट बना, ये CH3 हो गया, ये ऑक्सीजन से MgBr जुड़ गया, ये Cl है, इस पॉजिटिव से ये नेगेटिव आके जुड़ गया, तो ये तो बना हमारा इंटरमीडिएट। अब क्या, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा कि यहाँ का इनका हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसे वापस दे के चला जाएगा और ये Cl यहाँ से हमारा टूट जाएगा, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड ब्रोमाइड ये हमारा अलग हो गया और ये इलेक्ट्रॉन को वापस दे देगा, तो इस पर डबल बॉन्ड हमारा आ जाएगा, तो ये बन गया हमारा एसीटोन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम, ये तो हमारी 3 एप्लीकेशन हो गई, हमने एल्कीन्स बना लिया, एल्केन बना लिया, कीटोन बना लिया, अब फोर्थ हम बनाएंगे एल्कोहल। ठीक, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से 3 टाइप्स के एल्कोहल बना सकते हो। तो बात आती कि वो 3 एल्कोहल कौन से हैं, एक होता है बेटा हमारा प्राइमरी एल्कोहल, जिसे 1-डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। इसे प्राइमरी एल्कोहल क्यों कहेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि एल्कोहल का जो फार्मूला होता है, जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो हमारी है सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। अब आप 3 तरह के एल्कोहल इसकी हेल्प से बना सकते हो, तो बात होती कि वो 3 एल्कोहल क्या है, 3 टाइप्स के एल्कोहल होते हैं बेटा। पहला है प्राइमरी एल्कोहल, जिसे 1-डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। प्राइमरी अल्कोहल वो होते हैं जिसमें कार्बन से OH ग्रुप तो होगा ही, क्योंकि ये अल्कोहल है, और उसमें सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा होता है और 2 H लगे होते हैं, तो एक R लगा है
तो इसलिए इसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे, ठीक है। फिर होता है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल वो होता है जिसमें कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। हमने मान लिया कि एक एल्काइल ग्रुप R1 है और दूसरा एल्काइल ग्रुप हमारा R2 है, तो इसे कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। फिर होता है हमारा टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल वो होता है जिसमें कार्बन से तीनों तरफ से हमारे एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं और चौथा हमारा OH होता है, ठीक। तो प्राइमरी में एक एल्काइल ग्रुप होगा, सेकेंडरी में दो एल्काइल ग्रुप होगा, टर्शरी में तीन एल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे अल्कोहल में फर्स्ट ले रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल कब बनता है? व्हेन ग्रिग्ना रिएजेंट इज रिएक्ट विथ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है SCHO। यहाँ पे हमने ग्रिग्ना रिएजेंट लिया है, इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करेंगे, ये बनेगा हमारा इंटरमीडिएट। फिर तुरंत ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हमारा और बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। अब बात करेंगे मैकेनिज्म की। अगर आप देखो ये हमने फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये क्या है हमारा, ये कार्बन है, इससे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ और इससे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, R पे नेगेटिव है और मैग्नीशियम पे प्लस है, ये जो नेगेटिव है ये हमारा आके इससे जुड़ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव है ये वाला प्लस आके इससे जुड़ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे दिखाया है कि इस प्लस वाले कार्बन से ये वाला माइनस R आके जुड़ गया है और इस माइनस वाले ऑक्सीजन से ये प्लस वाला OMGX जुड़ गया है, ठीक है। तो ये बना हमारा इंटरमीडिएट। तो जैसे हमने आप लोगों को पहले बताया था कि इंटरमीडिएट बहुत ही कम देर के लिए बनता है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम H3O+ का यूज करते हैं जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ये क्या करेगा बेटा, इससे H+ आयन को देने का काम करता है। अब आगे क्या होगा, इधर का बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे निगेटिव आएगा और इस पे हमारा पॉजिटिव आएगा। अब इस नेगेटिव से यहाँ का H+ आके इससे जुड़ जाएगा, तो ये बन गया RCH2OH और बाकी हमारा MgOHX एज ए बाय प्रोडक्ट बनेगा और ये अलग हो जाएगा। तो ये तो बन गया प्राइमरी अल्कोहल। अब हम बनाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कब बनता है बेटा, व्हेन ग्रिग्ना रिएजेंट इज रिएक्ट विथ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कि यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लिया था हमने, CHO के साथ में H था, अब आपने CHO के साथ में कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लिया है, तो इसे कहेंगे एल्डिहाइड। सेम मैकेनिज्म है बेटा, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा हमारा, इस पे नेगेटिव है, इस पे हमारा पॉजिटिव है, ये बना हमारा इंटरमीडिएट और ये इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होगा, इसमें H+ आयन जाएंगे और ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। अब इसके अगर मैकेनिज्म देखिए बेटा, एल्डिहाइड का अगर फॉर्मूला देखो, तो ये कार्बन है, इससे ये वाला R2 जुड़ा हुआ है, कार्बन की वैलेंसी चार होती है, तो देखिए 2, 3, 4। अब ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, इससे हमारा H जुड़ा है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, इधर का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला नेगेटिव आके इससे जुड़ जाएगा और ये वाला पॉजिटिव आके इससे जुड़ जाएगा। तो ये देखिए बन गया हमारा इंटरमीडिएट, इस कार्बन से ये वाला नेगेटिव आके जुड़ गया और तुरंत ही क्या होगा बेटा, इस हाइड्रोनियम आयन से इसे H+ आयन मिल जाएंगे। तो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर प्लस और इधर माइनस, इस माइनस से H हमारा आके, देखिए हमने यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को यहाँ ओपन करके दिखाया है कि आपको समझ में आ जाए, ये है R1 R2, इस कार्बन से H जुड़ा था, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस ऑक्सीजन पे आके H जुड़ गया और ये Mg और ये OHX हमारा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो गया। तो ये तो बन गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। अब है बेटा हमारा सिंथेसिस ऑफ टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल कब बनता है बेटा, जब हमारी ग्रिग्ना रिएजेंट की रिएक्शन कीटोन से होती है, ठीक। सेम मैकेनिज्म बेटा, ये हमारा ग्रिग्ना रिएजेंट है, ये हमारा कीटोन है, ये इनकी रिएक्शन होगी, ये हमारा बना इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से तुरंत बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट टर्शरी अल्कोहल।
अब अगर इसकी मैकेनिज्म समझें तो यहाँ पे सेम वही हो रहा है बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये नेगेटिव इस कार्बन के पॉजिटिव से जुड़ जाएगा और ये पॉजिटिव आके इससे जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने दिखाया ये आर टू है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया था, तो ये वाला एम जी एक्स इससे आके जुड़ गया और इस कार्बन से ये आर वन जो नेगेटिव था इस पे प्लस है तो इस पे आके जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा बेटा, इसमें हम हाइड्रोनियम आयन का यूज करेंगे, ये एच प्लस आयन देगा इसे। अब यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा, तो इसमें एच प्लस और ओ एच माइनस है, ये एच प्लस आयन क्या होंगे इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे, तो ये बन गया हमारा टर्शरी एल्कोहल। तो ये तो हमने तीन तरह के अल्कोहल बनाए बेटा। तो तीनों अल्कोहल कैसे बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कब बनेगा, जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करोगे तो प्राइमरी बनेगा, जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड से करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और अगर आप कीटोन से कराओगे तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा। तो आप देखो बेटा सबके मैकेनिज्म सेम है, सिर्फ हमें ये जो हम दूसरा रिएक्टेंट ले रहे हैं इसके स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, तो आप अपने आप से मैकेनिज्म लिख सकते हो, इंटरमीडिएट को बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होगा बेटा, हम जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इथाइल फॉर्मेट से कराते हैं तो हमारा बनता है एल्डिहाइड। सेम मैकेनिज्म बेटा, यहाँ पे भी देखो इथाइल फॉर्मेट का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये नेगेटिव आके इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा और इस नेगेटिव से ये एम जी एक्स जुड़ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे दिखाया बेटा, ये कार्बन है, इस वाले से जुड़ गया हमारा ओ एम जी एक्स और इधर जुड़ गया हमारा आर। फिर सेम प्रोसीजर बेटा, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा हमारा और हमारा बन जाएगा आर सी एच ओ। तो ये तो था हमारा एल्डिहाइड। फिर है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम बेटा, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब सी ओ टू से होती है तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के मैकेनिज्म में क्या है बेटा, अगर आप सीओ टू का स्ट्रक्चर देखो तो ये कार्बन से यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा और इधर भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है। अब सेम वही होगा बेटा, इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इधर का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला कार्बन आके इससे जुड़ जाएगा और ये वाला ओ एम जी एक्स इससे जुड़ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे दिखाया बेटा कि ये कार्बन पे प्लस आ गया था तो इससे ये आर जुड़ गया और इधर ओ एम जी एक्स जुड़ गया। सेम प्रोसीजर बेटा, हम एच थ्री ओ प्लस का यूज करेंगे, यह हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, इसको एच प्लस आयन देने का काम करेगा, यहाँ निगेटिव है, यहाँ हमारा पॉजिटिव है, तो वो एच प्लस आएगा इसके पास में और यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो आपका टॉपिक है बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप देखो इसमें कुछ थोड़ी सी ही रिएक्शन है, सबकी मैकेनिज्म सेम है, अगर आप इसे प्रिपेयर कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा बेटा, क्योंकि हमेशा यूनिवर्सिटी में ये 10 मार्क्स में जरूर आता है। तो आप लोग बेटा इस टॉपिक को जरूर से तैयार कर लेना, ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।